पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 8 हमवात, सिर्फ 330 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेडलाइन से पहले ही लॉकडाउन खत्म, मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। किरियाना स्टोर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, मेडिकल स्टोर, पंक्चर शॉप, चकियां, तनूर 24 घंटे खुले रहेंगे। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट, पार्क, सिनेमास बंद रहेंगे। 5 अगस्त को कश्मीरियों से यकजहरी के लिए इज्तिमा की इजाजत होगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कराची में सफाई आज शुरू होगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं, कराची के बड़े नाले FWO के हवाले कर दिए, आज से बड़े पैमाने पर काम शुरू होगा। नदी नालों पर बहुत तजावजात हैं, 300 मीटर के चौड़े नाले बास मकामात पर 3 मीटर तक सुकड़ गए हैं। ईद उल अज़हा बाकी तफ़सीलात खत्म, मुल्क भर में आज ईद के तीसरे रोज सरकारी दफातर खुलेंगे। सिंध में आज छुट्टी, जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला आज भी जारी, घरों में कुर्बानी के गोश्त से लजीज डिशेस का एहतमाम किया जाएगा। भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण के लिए काउंसलर मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। वजारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। भारत के 5 अगस्त के गैर आइनी इकदाम को आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिशें, ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। गाने जा छोड़ दे मेरी वादी में पहली बार एक कश्मीरी मरकजी किरदार, एक साल से कश्मीरियों को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और लॉकडाउन का सामना है। कश्मीरी अक्वामी मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल दरामद के मुंतजर हैं। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,685.59 रुपए हो गई, 1 मिलीग्राम सोना 10.68 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स हो गई। और ईद शोज पर सबसे धमाकेदार इंटरव्यू, अर्तगुल गाजी के सिप्पा सलार सबका फेवरेट किरदार, तुर्गत अर्ब, वसीम बदामी और शाहिद अफरीदी के साथ आज रात 11:03 पर। सलाम वालेकुम, हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYNews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज।